हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्विंजर्स। सो याद होगा आप लोगों को हमारा टॉपिक चला था ब्लड। ब्लड से रिलेटेड पहले हमने ब्लड का मैट्रिक्स पढ़ा यानी प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया यानी ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए एक एक करके। IBC के बारे में पढ़ा, WBC के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा प्लेटलेट्स पे, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स से रिलेटेड एक और टॉपिक है यानी प्लेटलेट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारा हेल्प कराते हैं किसमें, कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। तो इन वीडियो में हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट्स, देन प्लेटलेट्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड। स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, जैसे RBC को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को उस तरह से हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स में डिफरेंस भी क्रिएट करती है, ये कि प्लेटलेट्स में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हमें क्या याद रखना है, प्लेटलेट्स हमारे नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे कि RBC में हमारा क्या था, वहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट था। WBC को तो हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पर ही पहचानते हैं, 5 टाइप के WBCs हमने पढ़े थे, उन सभी WBCs को हम लोग कैसे पहचानते थे, न्यूक्लियस के शेप के बेसिस पर ही पहचानते थे। फिर प्लेटलेट्स भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड है। एक और चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि प्लेटलेट्स सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। क्या क्या बोला, दो पॉइंट्स मैंने बोले यहाँ पे, इट इज़ ओनली फाउंड इन मैमल्स, साथ ही साथ दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, RBC की तरह ही नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। WBC हमारा कैसा था, न्यूक्लिएटेड था। फिर प्लेटलेट्स डिराइव कहाँ से होते हैं, प्लेटलेट्स यानी बनते कहाँ पे, प्लेटलेट्स बनते हैं हमारे मेगा कैरियोसाइट्स यानी एक स्पेशलाइज सेल्स हमारे बोन मैरो का, प्लेटलेट्स वहाँ से डिराइव होते हैं। क्या नाम है उन सेल्स का, बिल्कुल NCERT में भी दिया गया उन सेल्स का नाम है, दे आर डिराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ब्रैकेट में करके दिया है, दे आर स्पेशलाइज सेल्स ऑफ बोन मैरो, डेराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। देन प्लेटलेट्स हेल्प किस चीज़ में कराते हैं, प्लेटलेट्स हेल्प हमारा कराते हैं बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में, यानी प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। देखेंगे उसका नाम क्या है, यानी नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। वो कहाँ से रिलीज होता है, हमारे प्लेटलेट्स से रिलीज होता है। ये प्लेटलेट्स का फंक्शन हो गया, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन प्लेटलेट्स का नंबर NCERT में दिया गया है, इसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया गया, मतलब अप्रॉक्स में दिया गया है, लगभग 150,000 to 350,000। यानी प्लेटलेट्स का नंबर कई बार रिड्यूस भी हो जाता है, कई सारे डिजीज भी कॉज करते हैं। एक टर्म आता है प्लेटलेट्स के रिडक्शन में, यानी प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। प्लेटलेट्स के नंबर रिड्यूस होने से एक स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोला मैंने, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स नंबर, टर्म क्या है वो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इनफैक्ट बायोलॉजी में कहीं भी हमें पीनिया वर्ड दिखे एंड में, सफिक्स में क्या दिखे, पीनिया, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन नंबर। और थ्रोम्बोसाइटो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स के नंबर में डिक्रीज होने का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे आपने सुना होगा डेंगू फीवर, उसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। हमने क्या देखा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं,
थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा किस में हेल्प कराएगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराएगा। साथ ही साथ और भी कई फैक्टर्स रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। प्लेटलेट्स के बारे में एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है, हमें भी इतना ही जानना है, एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेसिकली एग्जाम्स में फॉलो क्या होता है, एनसीईआरटी का ही सिलेबस फॉलो होता है, यानी एनसीईआरटी के बाहर आने के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं, तो हम लोग भी उतना ही जानेंगे इतना हमें ज़रूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। होता क्या है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब भी हमने देखा है कि हमें कोई वुंड होता है, कोई इंजरी होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है जहाँ से वुंड हुई है या जहाँ पर इंजरी हुई है। बट आफ्टर सम टाइम वो ब्लड क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, यानी ब्लड रिलीज होना बंद जाता है। कुछ टाइम बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो कुछ देर तक ब्लड रिलीज होता है चोट लगने पे, बट आफ्टर सम टाइम वो ब्लड रिलीज होना बंद हो जाता है, यानी ब्लड क्या होने लगता है हमारा, कोगुलेशन होने लगता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, एक मेश वर्क लाइक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यानी अगर बनाना चाहें तो उसे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक मेश वर्क लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, डेड आरबीसी यानी डेड ब्लड सेल्स आके क्या हो जाते हैं, इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी से हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो कि हमारे ऑब्जर्व करेंगे तो एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम ऑब्जर्व होता है जहाँ पे चोट लगी हुई होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि स्कम जो फॉर्म होता है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। क्यों होता है, फेब्रिन थ्रेड्स आके वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, यानी वो एक मेशवर्क, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी ब्लड को रिलीज होने से रोक देते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नॉर्मली जब भी इंजरी होती है हमारा ब्लड कितने देर तक रिलीज होता है, बेसिकली बात करें तो ब्लीडिंग टाइम हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम 1 to 2 minutes, यूजुअली 1 to 2 minutes तक ब्लीडिंग होती है। देन क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, यानी कितने देर बाद ब्लड रिलीज होना बंद हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम हमारा 2 to 8 minutes नियरली, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। देन ये जो हमारा क्लॉट फॉर्म हुआ, ये हमारे पास दो तरह के क्लॉट्स होते हैं, पहला है थ्रोम्बस क्लॉट, दूसरा है एमोबुलस क्लॉट। कौन कौन से दो तरह के क्लॉट्स हैं, पहला है थ्रोम्बस क्लॉट, थ्रोम्बस क्लॉट, सेकंड वन इज एमोबुलस क्लॉट। थ्रोम्बस क्लॉट यानी स्टैटिक मूवेबल, थ्रोम्बस क्लॉट क्या है, स्टैटिक यानी जहां पे क्लॉट हुआ वो क्लॉट वहीं तक प्रेजेंट रहेगा। एमोबुलस क्लॉट जो कि थ्रोम्बस क्लॉट से ज़्यादा डेंजरस है, ये क्लॉट्स क्या है, मूवेबल, यानी कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं पे क्लॉट हुआ वो क्लॉट मूव भी कर सकता है, अगर वो ब्रेन में गया तो क्या, इट कैन कॉज पैरालिसिस, हार्ट में गया तो हार्ट ब्लॉकेज कर सकता है, यानी हार्ट अटैक कर सकता है। इस वजह से क्या है, एमोबुलस क्लॉट क्या है, जो कि मूवेबल है, ये ज़्यादा डेंजरस है थ्रोम्बस क्लॉट में। क्यों, थ्रोम्बस क्लॉट तो स्टैटिक होता है, एमोबुलस क्लॉट में क्या हुआ, वो मूवेबल होते हैं, यानी अगर क्लॉट यूजुअली कहीं फॉर्म हुआ और वो क्लॉट मूव कर गया किसी और ऑर्गन में, हार्ट में कॉज, हार्ट तक मूव कर गया तो दे कैन कॉज हार्ट अटैक, और अगर वो ब्रेन में मूव कर गया तो इट कैन कॉज पैरालिसिस। ये क्या था, हमारे ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। फिर क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म था, इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, यानी ओवरऑल जो क्लॉटिंग हो रही है हमारे ब्लड की, ये क्या है, एक तरह से एक एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कैस्केड का मतलब क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट, या कोई चीज़ जो सक्सेशन में हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली हो रहा है, सक्सेशन में हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केड। पूरे थ्योरी को क्या बोलेंगे, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे ब्लड क्लॉटिंग में, एक सक्सेशन में इवेंट चलेगा, एक सीरीज में इवेंट चलेगा। तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी हमारा 3 steps में ब्लड क्लॉटिंग करता है, 3 steps में ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारा। पहला स्टेप है हमारा रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप हमारा क्या है, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थोड़े पहले हमने देखा थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज कौन करता है, सिंथेसाइज भी कौन करता है, प्लेटलेट्स ही सिंथेसाइज करते हैं, और रिलीज कौन करता है, जहाँ पे वुंड हुआ है वहाँ पे, और साथ ही साथ
प्लेटलेट्स, यानी जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ के टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, और साथ ही साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करेगा, जिसने सिंथेसाइज किया है, यानी प्लेटलेट्स ने सिंथेसाइज किया है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। बेसिकली होता कुछ इस तरह से, टिश्यूज हमारे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, प्लेटलेट्स हमारे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, यही दोनों मिला के क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, एक्सो एंडो जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई है उन्हीं को देखना है। क्या होता है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, इधर लिखते हैं इसे ताकि ज़्यादा क्लियर हो पाए हम लोगों के लिए। पहला स्टेप क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, कहाँ से, टिश्यू से और प्लेटलेट से। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, यानी कैल्शियम यहाँ क्या प्ले करेगा, कोफैक्टर का रोल प्ले करेगा, किससे कंबाइन होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन करके ये क्या बना देगा हमारा, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। क्या बना देगा, कौन सा एंजाइम, प्रो थ्रोम्बो काइनेज एंजाइम, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज कैसा है, इनएक्टिव है, एक और नाम से इसे जानते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। एनसीईआरटी में क्या वर्ड दिया गया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ही वर्ड यूज किया गया है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ था हमारे टिश्यू से, प्लाज्मा से, ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन करके क्या बना देता है, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हुआ हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन याद होगा हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ब्लड के, प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड के ऑर्गेनिक पार्ट में पाया जाता है, यानी ब्लड का एक प्रोटीन होता है, ब्लड में कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, तो उसी में से एक नाम था हमारा प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है, ब्लड के ऑर्गेनिक पार्ट में पाया जाता है, यानी प्लाज्मा में पाया जाता है। कन्वर्जन किसका हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। कैसे कन्वर्जन होगा, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के आयंस के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में। ये कन्वर्जन कराएगा कौन, ये कन्वर्जन वो कराएगा जो अभी सिंथेसाइज हुआ, यानी थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये कन्वर्जन कराने में हेल्प कराएगा, क्या कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन कराएगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या था हमारा, इनएक्टिव था, प्लाज्मा में पाया जाता है, इसका कन्वर्जन किस में हो गया, एक्टिव थ्रोम्बिन में। सेकेंड स्टेप बीसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिनोजन थ्रेड्स, या फिब्रिन थ्रेड इसे हम लोग बोलेंगे, फिब्रिन थ्रेड्स। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन थ्रेड्स, फिब्रिनोजन भी क्या है हमारा, एक ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, पहले वीडियो में ही दोनों के नाम मैंने डिस्कस कर लिए थे। ये भी कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा। अब फिब्रिनोजन का किस में कन्वर्जन हो रहा है, फिब्रिन में, यानी फिब्रिनोजन क्या है, फिब्रिन में। ये कौन कराएगा रिएक्शन, ये रिएक्शन कराएगा वापस से जो भी ऊपर वाले रिएक्शन सिंथेसाइज हुआ था हमारा, थ्रोम्बिन कराएगा। फिब्रिनोजन का कन्वर्जन किस में, फिब्रिन में। फिब्रिनोजन क्या है, एक मोनोमर है, फिब्रिन क्या है, पॉलीमर है। यही फिब्रिन आगे चल के ऐसे मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इन्हीं में आके क्या हमारा एक्यूमुलेट होगा, डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी, फिर क्लॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। कितने देर बाद, 2 to 8 मिनट बाद, यानी ये प्रोसेस होने में 2 to 8 मिनट लगता है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना, कहाँ से, प्लाज्मा से, टिश्यू से। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज में या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में। फिर प्लाज्मा में ऑलरेडी हमारे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, दोनों प्रोटीन है, इनका कन्वर्जन होता है फिब्रिनोजन का थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में, और फिब्रिनोजन का फिब्रिन थ्रेड्स में। फिब्रिन थ्रेड्स ही हमारा क्या कराते हैं, फिर
ब्लड में मेश वर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कराते हैं, फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है धीरे धीरे, बाद 2 to 8 मिनट बाद क्या होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाती है। यही क्या है हमारा रिएक्शन पार्ट था, 3 स्टेप था। एनसीईआरटी की लैंग्वेज यहाँ पे स्टूडेंट्स को टफ लगती है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने 3rd स्टेप को पहले बताया, फिर 2nd स्टेप को, फिर 1st स्टेप को। यानी एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है कि उन्होंने बोला सबसे पहले फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, उसी के बाद जस्ट कंटिन्यू किया गया कि ये रिएक्शन कराता है थ्रोम्बिन। यानी क्या किया एनसीईआरटी ने, इसी रिएक्शन को उल्टा समझाना स्टार्ट किया है, लेकिन रिएक्शन होता तो ऐसे ही है, एनसीईआरटी ने बस समझाना इसको उल्टा स्टार्ट किया। यानी पहले 3rd स्टेप समझाया, फिर 2nd देन 1st। यहाँ पे हमने समझने के लिए ताकि हमारे लिए ईजी हो, 1st 2nd 3rd 3 स्टेप पढ़ा, अब इसको एनसीईआरटी से साथ साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। ओवरऑल इस टॉपिक से क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, क्लास 11th के एग्जाम्स में एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। देन कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा हिंट मैंने पहले भी दे दिया था, क्या कि ब्लड में से क्या माइनस कर दें, ब्लड सेल्स, तो हमारे पास क्या बचता है, ब्लड में से ब्लड सेल्स माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दें, क्या बचता है हमारे पास, सेरम। फिर कोगुलेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा ब्लड की होती है, उससे कम प्लाज्मा की, सेरम की कोई भी कोगुलेशन टेंडेंसी नहीं होती है, यानी कि ये कोगुलेट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स ही एब्सेंट हैं। बेसिकली कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, यूजुअली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं ब्लड में। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, कैल्शियम भी क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन ये सब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और भी कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं जैसे क्रिसमस फैक्टर, स्टूअर्ट फैक्टर, बट उन सब चीज़ों को इतना डिस्कस करने का मतलब नहीं है यहाँ पे, एनसीईआरटी में नहीं दिए तो एग्जाम में भी नहीं आएगा वो चीज़ें। बट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते क्या हैं, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये सब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर हम लोग याद कर सकते हैं कि हाँ टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं ब्लड में। कैसे होता है रिएक्शन पूरा चीज़ हमने समझ लिया, प्लेटलेट समझ लिया। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं और पूछना चाहूँगा, उसका आंसर्स या तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा उन क्वेश्चंस को। क्या पहला क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग तो हो जाती है जब वुंड होता है, यानी ब्लड के अंदर फैक्टर्स तो प्रेजेंट ही हैं कि वो ब्लड को क्लॉट करा सके, लेकिन जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तब क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है, यानी तब भी तो उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट ही हैं लेकिन वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती है। रीज़न इसका है कि ब्लड में एक चीज़ प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोला मैंने, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेरिन। हेपेरिन क्या कराता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेट होने से रोकता है। नाम क्या है उसका, हेपेरिन। खैर मैंने आंसर भी बता दिया उसी क्वेश्चन का, क्या है हेपेरिन क्या कराता है, एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड को कोगुलेट कराने से बचाता है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट। देन एक और क्वेश्चन आ गया मेरे सामने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर होता है तो ब्लड रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर होने से ही ब्लड रिलीज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, यानी एंडोमेट्रियम लेयर डैमेज हो रहा है, क्या होता है वहाँ पे, ब्लड रिलीज होता है, लेकिन वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम फिब्रिन को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी ये फिब्रिन बनता ही नहीं है, फिब्रिन बनेगा ही नहीं तो मेश वर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो वहाँ पे डेड सेल्स आके एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो कोगुलेशन नहीं होता है। तो ये दो क्वेश्चंस जो थे हमारे पास कि ब्लड वेसल्स में कोगुलेट क्यों नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोगुलेट क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चंस वही कर पाएगा जिसने डिटेल में सब चीज़ों को समझा होगा, हेपेरिन और फिब्रिन, क्या फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम फिब्रिन को डिसॉल्व कर देता है तो मेश वर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है। सो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।